हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम करेंगे एचपीटेट प्रिपरेशन के बारे में बात कि लास्ट के 15 दिन में आपको क्या करना है, कैसे कैसे आपको स्टडी करनी है, कैसे आप जो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है। क्योंकि ये जो लास्ट के 15 दिन है ये आपके डिसाइड करेंगे आपके एग्जाम के अटेम्प्टेशन को, आपके कॉन्फिडेंस को ये जो है हाई करेंगे। इस तरह से जितनी भी बातें उस सभी में दिखने वाले, किस तरह आप जो है क्या क्या करने वाले हैं लास्ट के 15 दिन में, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है और आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो करनी है, और यही आपका जो है एग्जाम में स्कोर करने के लिए आपको जो है हेल्प जरूर करेगा। तो अगर आप देख सकते हैं चित्रकारी यहाँ पे मैंने पहले ही कर ली है। इसके पीछे क्या हुआ हुआ ये कि मैंने अपनी ओर से ये वीडियो पहले ही आपके लिए बना दी थी और मैंने बता दिया था कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि मेमोरी फुल हो गई थी। उसके बाद जब मैंने चेक किया वीडियो जो आपके बीच में रुक गई, अब जो है फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा स्पेस खाली करने के बाद। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, और जो आपकी इंग्लिश की आपकी क्लासेस नहीं लग रही है उसके पीछे रीजन यही है कि मेरे पास अभी जो है फोन में इतना स्टोर नहीं है कि 30 मिनट से ऊपर आपकी जो कोई वीडियो में रिकॉर्ड कर पाऊँ। और मुझे लगता है कि अगर इंग्लिश का टॉपिक आपको समझना है तो कम से कम एक घंटे में एक जो आपका टॉपिक क्लियर होता है। इसी कारण से आपकी इंग्लिश की क्लासेस मैं नहीं लगा पा रहा, उसके लिए आपसे मैं क्षमा भी चाहता हूँ। मैंने कोशिश की थी कि लैपटॉप आपका बाय कर पाऊँ लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं, अब देखेंगे एचपीटेट प्रिपरेशन लास्ट के 15 दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लास्ट के 15 दिन बच गए हैं, इसमें जो है आपके अभी जो 5 दिन है, आने वाले जो 5 दिन है आगे के, इसमें आपको जो है क्या करना है। सबसे पहले अगर आप जो है साइकोलॉजी की देखें, साइकोलॉजी का टॉपिक आप लिख लीजिए, लिखना आपको है। टॉपिक आपको मैंने बताया है क्या क्या है, वीडियोज आपके लिए कई बार डाली है, बाकी आप सभी को पता भी होगा। इसके अलावा जो आपके एसएसटी के टॉपिक देख लीजिए, साइकोलॉजी का टॉपिक देख लीजिए, एचपीजीके का टॉपिक देख लीजिए, इसके अलावा जो आपके पास इंग्लिश का टॉपिक देख लीजिए, बाकी जो दूसरे आपके मेडिकल नॉन मेडिकल वाले केमिस्ट्री हो गया आपका, फिजिक्स हो गया, इसके अलावा जो आपके मैथ हो गए वो अपने हिसाब से अपने टॉपिक आपके उन्होंने लिखे हो गए, उनको आप जो नोट डाउन कर लीजिए। अब उसमें आपने क्या लिखना है, ऐसे आपने टॉपिक चूज करने हैं जो टॉपिक आपने आज तक नहीं पढ़े, यानी कि उन टॉपिक की आपने आज तक एक रीडिंग भी नहीं की है, उन टॉपिक को आपने सिलेक्ट करना है। और उन टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद एक लिस्ट बना दीजिए कि अगले 5 दिन में उन टॉपिक को आपने कवर करना है। और ध्यान रहे टॉपिक आपने वही इंक्लूड करने हैं जो आज तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, यानी कि उन टॉपिक के बारे में आपको बेसिक भी नहीं क्लियर है। अगर किसी टॉपिक आपको बेसिक क्लियर है तो उन टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ तो आता है। आपको सिर्फ अभी आने वाले 5 दिन में न्यू टॉपिक आपने वो पढ़ने हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े और आपके वो सिलेबस में आ रहे हैं। तो ये आपने पहला काम करना है। सिर्फ 5 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके आगे के जो 10 दिन है उसमें आपने क्या करना है, आगे के 10 दिन में आपने एक तो रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करेंगे, जो आपने नोट्स बनाए हैं अभी तक, जो जितने भी आपने नोट्स बनाए उन नोट्स का जो रिवीजन आप करेंगे लास्ट के 10 दिन, साथ साथ आप जो है लास्ट के जो 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी आप सॉल्व करेंगे लास्ट के 10 दिन। ये दो काम करने हैं आपने लास्ट के दिन, एक तो आपने रिवीजन करना है जो आपके पास नोट्स है, साथ साथ जो है क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करने हैं डेली, आपने जो एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है लास्ट के 10 दिन, यानी कि कम से कम आप जो है 10 क्वेश्चन पेपर आप जो इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने करना है प्रॉपर रिवीजन, 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 रिवीजन आपके नोट्स के, बाकी जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई है। साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, साइकोलॉजी का आपको बस वही है, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना है, जितना मैंने आपको प्रोवाइड कराया उतना आपके लिए काफी है। इसके अलावा एचपीजी के आपके लिए इनफ है, जितना मैंने आपको पीडीएफ दी है इनफ है, उसमें से आप रिवीजन आप कर सकते हैं, इसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एसएसटी, एसएसटी जितना मैंने दिया है एटलीस्ट उतना तो आप कीजिए ही, अगर आप एक्स्ट्रा कर सके तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अगर आपने उतना भी कर लिया अच्छे से तो यकीन मानिए 50 से 60 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है, जितनी मैंने आपको टोटल जो है 6 पीडीएफ आपको मैंने प्रोवाइड करवाई है, जिसमें कि साइकोलॉजी की 2 पीडीएफ है, आपकी एसएसटी और जीके आपकी 2 पीडीएफ है, इसके अलावा एचपीजीके और आपके इंग्लिश नोट्स, ये आपकी टोटल 6 पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। और अपने लास्ट के 10 दिन आपने इनको रटना है, बस इनको ही रटना है, क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले, बार बार रटना है। अगर आपको लगेगा कि ये चीजें मैंने कर ली है, ये चीजें बार बार कर रहा हूं मैं, देखिए उससे क्या होगा, उससे जो आपकी जो परफेक्टनेस आएगी और क्वेश्चन में जो आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में उसमें जो आपको कंफ्यूजन कम से कम होगा। तो उसके लिए क्या करना, प्रॉपर आपने रिवीजन करते रहिए, बेशक आपको लगेगा कि मैंने कर लिया है, बार बार चीजों को देखिए, बार बार आंखों के सामने देखिए। और देखिए एक चीज और याद रखनी, अगर आपको कोई डेट याद है तो उस डेट को, डेट भी आपने याद रखनी है, ईयर भी याद रखनी है, उसके साथ जो 2-2, 3-3 चीजें आपने जो है याद रखनी है। तो ये चीजें आप करिए, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है उसमें से आप जो प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं लास्ट के 10 दिन। और अगर आप जो है अभी भी लेना चाहे रिवीजन के तहत, तो अभी इन टोटल 6 पीडीएफ का जो है अमाउंट आपके लिए 150 रुपीज है, अगर आप लेना चाहे तो अभी ले सकते हैं। हालांकि अब
फायदा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इस 15 दिन में जो है 30 दिन के बराबर तैयारी कर सकते हैं तो आप बेशक इसको ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप जो है दिन में 10 घंटे दे सकते हैं तो आप पीडीएफ ले सकते हैं और तभी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको पीडीएफ पढ़ने से हो जाएगा तो फिर आप इसको मत लीजिए, फिर ये आपका नहीं होने वाला, क्योंकि पढ़ना आपको है। अगर आपको लगता है कि 10-15 दिन में आप इसको खत्म कर सकते हैं, 6 की 6 पीडीएफ रट सकते हैं, तो फिर आप बेशक इसको ले लीजिए। 150 रुपीज इसका अमाउंट है। आप कैसे परचेज करेंगे? 9817839916 व्हाट्सएप और गूगल पे नंबर यही है। इस नंबर पे आपको पे करने के बाद जो स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सएप पे और आपको ये सभी पीडीएफ मिल जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर। कोशिश कीजिए, अगर कोई अभी भी इंटरेस्टेड है तो ले सकता है, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है, आपको लेनी है। अवेलेबल है आपके लिए सभी क्लासेस 8 फरवरी 2021 के बाद जितनी भी क्लासेस हमारी हो चुकी है। अगर किसी ने वो सभी क्लासेस देखी है तो मैं इतने श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आराम से वो स्टूडेंट आपका 100+ कर लेगा। तो अगर आप जो दिन में 2 घंटे भी आज के बाद भी देखते हैं, हर रोज 2-2 घंटे आप उन क्लासेस को देखिए, कोशिश कीजिएगा जितने आपके टॉपिक क्लियर नहीं हुए उन्हीं टॉपिक को आप देखिए, सारी क्लासेस आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो आपको लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अब समस्या क्या है? समस्या है आपको इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर ही नहीं है। तो देखिए टीजीटी आर्ट्स वाले जो है 3 क्वेश्चन पेपर मेरे पास अभी तक अवेलेबल है। उन 3 क्वेश्चन पेपर को एक जो है मेरा फेसबुक पे पेज बना है लर्निंग पॉइंट विद शुभम, वहां पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा 3 क्वेश्चन पेपर टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए। और 3 क्वेश्चन पेपर नॉन मेडिकल वालों के हैं मेरे पास जो प्रीवियस ईयर के हैं, उन 3 को भी मैं अपलोड कर दूंगा वहां पे। अगर आप कहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, अपलोड आपके लिए वो कर दिए जाएंगे। तो ये टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स वालों के क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है। 3 क्वेश्चन पेपर है तो यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन पेपर आपको जो है वहां पे मिल जाएंगे। फुल क्वेश्चन पेपर आपको जो वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो वहां पे जाकर इसको देख सकते हैं, वहां से सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? विद ऑप्शन के साथ, जैसे कि आजकल मैं आपको करवा रहा हूँ। जो आपको SST का सेक्शन है, मैं आपको टीजीटी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे, जैसे मैं वहां पे क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ आपको सॉल्व विद ऑप्शन के साथ, क्योंकि ऑप्शन ही आपके जो है आने वाले टाइम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे ही आपने उसको जो है सॉल्व करना है। इसके अलावा टाइम टेबल की मैं बात करूं तो आपको जो है मिनिमम अब जो 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यह आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी का जो ये समय है, ये समय अभी आपके हाथ में, एक बार ये निकल गया, एक बार आपका जो एग्जाम हो गया, एक बार आप एग्जाम में बैठ गए, एग्जाम देने के बाद बाहर आ गए, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। तो इसके लिए अभी आपके पास समय है। अभी जो इस 15 दिन को आप जो 30 दिन में बदल दीजिए, 24 घंटे आपके पास होते हैं, 24 में से सिर्फ आपको 10 से 12 घंटे आपको निकालने हैं, बाकी आप अपना काम कीजिए। कैसे इसको आप जो है मैनेज करेंगे और टाइम टेबल की मैं बात करूं, कई स्टूडेंट को पता ही नहीं लगता कैसे करें। तो सुबह आपको 5 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक पढ़ना है, 3 घंटे आपके पास सवेरे मिल गए। इसके अलावा 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे आप बीच में फोन के माध्यम से, अगर कोई काम वगैरह आप कर रहे हैं, कोई आप जॉब कर रहे हैं, इसके अलावा हो सकता है आप गृहस्थी का कुछ काम चलाए, तो 2-3 घंटे आप जो है फोन वगैरह आप वैसे भी चलाते हैं, आजकल ये कॉमन हो गया है, तो 2-3 घंटे आप जो है वीडियोस देखिए, कोई भी आपके यूट्यूब चैनल कोई भी खोल लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किए गए हैं उनको आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा जो आपको लास्ट की जो अगर मैं बात करूँ, शाम को कोशिश करनी है 6 से 8 आपके 2 घंटे निकालने की, उसके बाद आपने कोशिश करनी है 10 बजे जब सभी आपके सोने लग जाए, 10 बजे से आपके शाम के 12-1 बजे तक अगर आप जितना आप पढ़ सकते हैं अपनी जो है हेल्थ को ध्यान में रखकर आप उतना पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आपके लास्ट के 15 दिन अगर आप इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये 15 दिन में आपका कोई स्ट्रगल नहीं होगा। इससे होगा ये कि आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा, अगर नहीं भी होना होगा तब भी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। तो ये अगर आप 15 दिन लास्ट के इस तरह की मेहनत कर सकते हैं, इसको जो 10 से 12 घंटे आप जो है निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। और पढ़ना आपने क्या है, रेलेवेंट पढ़ना है, तभी मैं कर रहा हूँ। जो रिवीजन होगा, रिवीजन आपने उन्हीं चीजों का करना है जो आपने ऑलरेडी कर लिए, नई चीजें आपके लास्ट के 10 दिन में आपने कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, नए टॉपिक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, उस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जो मैंने किया नहीं है। मान लीजिए आपने करंट अफेयर का कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप ये सोच के परेशान मत होना कि मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा, उसकी जगह आप क्या कीजिए, उसकी जगह आप SST या GK सेक्शन जो आपके पास पहले ही स्ट्रॉन्ग है उसको आप और स्ट्रॉन्ग करिए, और आपके जो 2-3 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के थे वो आप उसमें कवर कर लीजिए, आपका वहीं पे एक लिस्ट आपका जो है सेम हो जाता है। तो आपका कोई एक सेक्शन आप ऐसा पकड़ लीजिए जिसमें आपकी जो मजबूती है उसको आप इतना कवर कर लीजिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो 60 मार्क्स का जो आता है SST का सेक्शन, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो है मेरे जो है पहली बार शायद 47 के आसपास बने थे, दूसरी बार 51-52 के आसपास जो है इसमें स्कोर हुआ था। तो अगर आप जो इतने क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ एक सेक्शन से आप लेके आते हैं तो आई होप आपके लिए काफी आसान हो जाता है करेक्ट करना, ना केवल करेक्ट करना बल्कि आप जो 100% में आपके जो है स्कोर कर सकते हैं। बाकी अटेम्प्टेशन आप कैसे करेंगे इसको एक बार मैं बता देता हूँ आपको, आई होप कई स्टूडेंट को नहीं पता होगा जो पहली बार जा रहे होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप क्वेश्चन पेपर आपको मिले
पहले आपने फर्स्ट से पढ़ना है लास्ट की ओर, और उसमें साथ साथ जो आपको पता है कि 100% आपका जो है ये आपको पता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का जो है पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश में गांधी जी कब आए, तो मुझे पता है कि 1921 में, ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, तो 1921 में पहली बार गांधी जी आए मुझे पता है, मैं 100% श्योर हूँ। आप उसमें थोड़ा सा टिक लगा दीजिए, थोड़े थोड़े टिक उसमें लगा के जाने हैं जो कि आपको बिल्कुल 100% पता है। शुरू के आधे घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, शुरू के आधे घंटे जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपने फर्स्ट से रीड करना है, अभी आपने ओएमआर शीट पे जो सर्कल नहीं करना है, सिर्फ आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। एक बार टिक लगा दीजिए लास्ट तक। अब जो है जल्दी से 2 मिनट के अंदर काउंट कर दीजिए कि कितने क्वेश्चन में आपने टिक लगाया है। आपको लगेगा कि मैंने जो है 60 से 70 क्वेश्चन आपके जो है टिक लगा दिए, इसके बीच आपका ये मिनिमम रहेगा, इतना ही सभी का रहेगा। तो 60 से 70 के बीच अगर आपका जो लगता है कि इतने मेरे बिल्कुल डेफिनेट मुझे पता है 100% ये ठीक है, तो इससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अब आपने क्या करना है, अब जब आप लास्ट में गए थे, अब लास्ट से आपने वापस को चलना है, अब वापस को आपने फिर से आपने वो टिक लगाने हैं जो कि आपको पता है कि 50-50% है, हो सकता है इसका ये है या फिर ये है, इस तरह से आपने टिक लगाने। अब जो है दूसरी बार आपने टिक लगा दिए, फिर आपने काउंट करना है, अब आपको लगेगा कि 80 से 90 के बीच आपका जो स्कोर बन रहा है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए कि आपका स्कोर 80 भी बन रहा है, अब अगर आपके पास 80 क्वेश्चन आपको ये लग रहा है कि 80 आपका स्कोर बन रहा है, अब आपके पास क्वेश्चन अगर देखें आप तो 70 क्वेश्चन आपके पास बच गया। और 70 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 70 क्वेश्चन में अगर आप बिना देखे भी उसको लगाते हो, आगे के जो 70 क्वेश्चन बच गए उसमें से आराम से 20 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगर आपके पास 80 स्कोर बना था तो 100 आपका ऐसे ही बन जाएगा। तो ये आपका मेथड आपने यूज करना है। शुरू के आधे घंटे में 2 रीडिंग करनी है, एक आपने फर्स्ट से लास्ट की और एक लास्ट से फर्स्ट की, और दोनों में उन फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ वही टिक लगाने जो आपको 100% पता है, सेकंड में आप जो है टिक ऐसे लगाएंगे कि 50-50 आपके माइंड में चलेगा यार ये इसका या ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो उसमें 50 का कंपैरिजन रहेगा। तो इस तरह से आप जो है सेकंड अटेम्प्ट में लगा सकते हैं, लेकिन ये दोनों काम आपको करने हैं शुरू के आधे घंटे में। उसके बाद आपने जब ओएमआर शीट भरनी है तो ऐसा नहीं करना कि जिसमें टिक लगा है उसी में ओएमआर जो है सर्कल करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपने टिक लगाया है उसमें तो आप सर्कल करेंगे ही, जो आपको नहीं आता है उसमें भी साथ साथ आप सर्कल करके चलिएगा। ये मत सोचिए कि लास्ट में इसको करेंगे, क्योंकि जो आपने अभी करना है लास्ट में भी आपने वही करना है, हो सकता है लास्ट में हड़बड़ाहट में आपके वो भी क्वेश्चन छूट जाए, तो साथ साथ आपने सारे सर्कल करके चलने हैं, क्योंकि जो आपके पास जितना आपको आता था उतना आपने पहले ही दिमाग लगा दिया आधे घंटे में, और आपने 2 अटेम्प्ट ले लिए उसके, और उसके बाद जो आपको नहीं आता वो तो आपको ऐसे भी नहीं आता। बाकी इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश के लिए अगर आप हो सके तो 15 से 20 मिनट लास्ट के रख लीजिएगा, अगर आपके पास पॉसिबल ऐसा हो सकता है। बाकी ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मैंने कोशिश की अपनी ओर से आपको समझाने की, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी एचपीटेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व में करने स्टार्ट कर दिए हैं, आपको प्ले लिस्ट में अलग से फोल्डर भी मिल जाएगा, उसमें जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं, आपका मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट में जो ऐड आती है उनको आप प्लीज स्किप ना करें।